बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइबर टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं सुमेरा आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है गंदम मकई की रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मकई की रोटी जो है वो एक बहुत अच्छी और यूनिक सी रेसिपी है और हर कोई जो इसको है वो नहीं बना सकता। इसको बनाने का तरीका जो मैं बताऊंगी वो बहुत आसान है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की इससे मकई की रोटी बनती है। बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे आप गंदम की रोटी बना रहे हो बिल्कुल ऐसे ही बनती है, ठीक है। और इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको अब बताती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में फीडबैक भी दिया करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जो न्यू देखने वाले हैं मेरे चैनल पे, नए आने वाले हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मकई की रोटी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत है? सबसे पहले जो है ये आपने एक बर्तन लेना है, सिल्वर स्टील का आपने बर्तन लेना है, स्टील का नहीं लेना है, या नॉन स्टिक बर्तन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो है वो 2 कप मैरिंग कप, ये वाले जो कप होते हैं, ये 2 कप मैंने इसके अंदर पानी के शामिल किए हैं। और पानी को अब हम जो है बॉयल होने देंगे, ठीक है। उसमें जो है 1/2 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून के करीब शुगर है, चीनी है, ये टोटली ऑप्शनल है। चीनी अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम मकई का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, फीका सा टेस्ट होता है, तो इससे जो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मकई और चीनी जो है शामिल करके, ठीक है, अब हम इसको बॉईल होने देंगे पानी को। जब बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है मकई का आटा शामिल करेंगे। तो ये मकई का आटा है, 2 कप मैंने जो है पानी लिया है, तो ये 2.5 कप आटा है जिसको मैंने उसी कप से मेयर करके इसको छान के और रख लिया है। यानी आपने, जरूरी नहीं है कि जितना मैंने ही लिया इसके अकॉर्डिंग ही मेयरिंग आपने करनी है, ठीक है। समटाइम कुछ आटा ऐसा होता है वो कम पानी लेता है, कुछ ज्यादा लेता है, तो बस आपने इतना पानी डालना है कि आटा जो है वो एक भुरभुरा सा डो फॉर्म में जो है वो इकट्ठा होने वाली फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये आटा, ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, अब मैं इसके अंदर आटा शामिल करूंगी, ठीक है, इस तरह से, और इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखें, इस फॉर्म में आपने जो है आटे को लेके आना है, ना ज्यादा गीला हो ना ज्यादा ड्राई हो, ठीक है, इस तरह से जो है वो होना चाहिए। अब हम इसको किसी खुले बर्तन में, जैसे कि ये पराठ है, इसके अंदर हम इसको निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर निकालने के बाद हम इसको जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। मैं इसको निकाल लूँ इसके अंदर, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने इसको पराठ के अंदर निकाल लिया, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये देखिए, ये ज्यादा ना तो गीला है और ना ही बिल्कुल खुश्क है, यानी सख्त सी डो बनने वाली फॉर्म में है। ये अभी बहुत गर्म है तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसको जो है हाथों की मदद से डो फॉर्म में लेके आएंगे। बहुत गर्म है अभी। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा आटा जो है वो ठंडा हो गया, अब हम इसको हाथों की मदद से इस तरह से डो फॉर्म में लेके आएंगे, इकट्ठा करेंगे एक जगह पे सारा, और उसके बाद फिर हम, अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है तो आप लोग जो है इसको ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक जगह सारा इकट्ठा करके जब एक दफा डो फॉर्म में आ जाएगा, इसको गरम गरम ही करना पड़ता है, ज्यादा ठंडा करके जो है फिर ये होता नहीं है। इस तरह से गरम पानी के अंदर इसको पकाने से एक तो मकई का टेस्ट अच्छा हो जाता है, थोड़ी सी पक जाती है, दूसरा जो है इसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। मकई के आटे में इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है, लचक नहीं होती, भुरभुरा होता है आटा, तो वो फिर उसकी रोटी बनाना मुश्किल होती है। जब आप ऐसे इस तरह से गर्म पानी में इसको यूं पकाते हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो भुरभुरापन थोड़ा कम हो जाता है, और इस तरह से पकने वाली रोटी जो है बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम बनती है। अब हम थोड़ा सा पानी बॉयल करेंगे और करने के बाद फिर जो है इसको नेक्स्ट जो है वो रोटी बनाएंगे।
हम ये देखें, हमने डो जो है वो अब एक साइड पे इकट्ठी कर ली। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे यूं इस तरह से, और इसको अब आप लैदा से ऐसे मस लेंगे, ऐसे हथेलियों की मदद से इसको आपने जो है वो मसलना है। गर्म पानी डाल डाल के, मैंने एक साइड पे पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। गर्म, जितना पानी ज़्यादा गर्म होगा उतनी ही सॉफ्ट आपकी जो है वो रोटी बनेगी। आपने 2-3 मिनट तक जो है वो यूं मसलना है ऐसे हथेलियों की मदद से आटे को, ठीक है। हर पेड़े को आपने 1-2 मिनट जो है वो यूं ही मसलना है गर्म पानी डाल के। मैंने इसे देखें चूल्हे के ऊपर बॉयल करना पानी रखा हुआ है, वहां से मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले रही हूँ, ठीक है। ये देखें, और इसको आटे के अंदर शामिल करके तकरीबन तकरीबन आप 5 मिनट जो है वो एक थोड़े से पोर्शन को, यानी एक पेड़े जितने पोर्शन को आप जो है वो 5 मिनट तक इस तरह से मसलेंगे, ठीक है। तो इससे आपका आटा जो है वो प्लेन होगा, सॉफ्ट होगा, नरम होगा से, और आपकी रोटी ये देखें। हाँ जी, मैंने 5 मिनट तक इस आटे को जो है वो यूं ही इस तरह से अपनी हथेलियों की मदद से अच्छी तरह से जो है वो मुलायम कर लिया है, मसल लिया। इतना सॉफ्ट हो गया कि अब आप अपने हाथ की मदद से इसका अच्छा सा पेड़ा बनाएं जैसे मर्जी। वे बिल्कुल ऐसे है जैसे गंदम के आटे की तरह हो गया है। ये बिल्कुल खालिस मकई का आटा है, इसमें मैंने कोई मिक्स नहीं किया, ठीक है। इसका सारा भुरभरापन जो है वो खत्म हो गया है। ये बिल्कुल इलास्टिक सिटीज के अंदर आ गई है, लचक आ गई है, जैसे गंदम के आटे की होती है। अब इस पेड़े को हमने जो है अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। तो रोटी बनाने के लिए जो है आप, ठीक है, ये एक प्लास्टिक की शीट ले लें, ठीक है। ये प्लास्टिक की शीट कुछ भी आप ले सकते हैं, ये एक लेमिनेशन शीट है, ठीक है। जो कॉपीज को, बुक्स को लेमिनेशन करते हैं वो शीट है, ठीक है। उसके ऊपर आप इसको ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से, घी की मदद से, ठीक है। जिसकी मदद से, देसी घी है, मैं उसकी मदद से ही ग्रीस कर रही हूँ। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, आपने जो यूज करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ साग में, मकई की रोटी में जो है वो देसी घी के अलावा कुछ नहीं यूज किया जाता। अब आप इसके ऊपर रख के और इसको जो है वो अपने हाथ की मदद से इस तरह से बढ़ाते जाएं और रोटी की शेप में जो है वो ले आए, ठीक है। जितनी मर्जी नरम बड़ी कर लें, जितनी मर्जी पतली बना लें, मोटी बना लें, ये टोटली आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इसके ऊपर एक और लेमिनेशन शीट रख के, अगर आप हाथ की मदद से बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो इसी तरह से एक और पीस ऊपर रख के आप, ठीक है, तो बेलने की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना सॉफ्ट आटा हो चुका है, इतना नरम, कि आप ये हाथ की मदद से ही इजीली हो रहा है, तो बेलने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक दफ़ा आप रोटी बना के देखें, आप यकीन करें बहुत मज़े की रोटी बनेगी। ये तरीका शायद ही किसी ने बताया होगा, ठीक है। मेरी भी एक आंटी थी, जानने वाली थी, उन्होंने मुझे सिखाया था, तो बहुत मज़े की जो है वो इससे रोटी बनती है, ठीक है। अब हम जो है इसको अब तवा गरम करते हैं, तवे के ऊपर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये देखें तवा मैंने रख दिया है, इसको मैंने ऑयल की मदद से यानी घी की मदद से ग्रीस कर लिया है, ठीक है, गर्म होने के लिए। अब हम अपनी रोटी को जो है ये इजीली उतर जाती है लेमिनेशन शीट से, यूँ आसानी से इसको उतारें और इसको जो है तवे के ऊपर डाल दें। और डालने के बाद आप तवे के ऊपर भी इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं यूँ इस तरह से, ठीक है। जितनी मर्जी बड़ी कर लें, जितनी मर्जी इसको जो है आप सॉफ्ट कर लें और वो सॉरी पतली कर लें, ठीक है, जिस तरह मर्जी आप इसको बढ़ाते जाएँ तो ये बन जाएगी। अब भी जो है नेक्स्ट, जब तक वो पक रही है, हम नेक्स्ट जो है वो पेड़ा बना लेते हैं। नेक्स्ट पोर्शन भी इसी तरह थोड़ा सा इसमें से पोर्शन लेंगे हम, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा यूं पोर्शन लेंगे और इसको फिर अपने हाथों की मदद से इसी तरह से नरम करते जाएंगे। कोशिश करें कि इसके लिए आप जो पानी यूज़ करें वो गर्म हो, ठीक है, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना गर्म पानी होगा उतनी ही आपकी जो है वो रोटी अच्छी बनेगी मकई की। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, वो जो देखने में तो बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन इससे जो है वो आपकी चीज़ बहुत अच्छी और शानदार बन जाती हैं। कोई ना कोई फन किसी के पास होता है। आजकल की लड़कियों को तो मकई की रोटी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, मैं ऐसे कहूँ, मुझे भी नहीं बनानी आती थी। ये मेरी आंटी हैं, एक अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, उन्होंने मुझे सिखाई थी, मुझे पसंद बहुत थी,
लेकिन कोई बना के देने वाला नहीं होता था। फिर उन्होंने मुझे बताया और उसके तरीके से जो है वो मैं इस तरह से बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, इस तरह से बस आपने 2-3 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने 5 मिनट देने हैं एक पेड़े को, यूँ मसलना है और उसके बाद आपने जो है ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी थी। ठीक है, तो अब इसको मैंने दूसरी साइड पे जो है वो इसको किया है। अब आप इसके ऊपर जो है दूसरी साइड पे आप ऑयल जो है वो लगा लें, देसी घी लगा लें, मक्खन लगा लें जो आप पसंद करते हो, या जो आपके हाँ जो है वो खाया जाता है वो आप इसके अंदर लगा सकते हो। मैं तो देसी घी लगा रही हूँ, आपके यहाँ जो पसंद किया जाता है आप इसके ऊपर लगा लें। देखिए कोई पलटे की ज़रूरत नहीं, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हाथ की मदद से ही लिप हो रही है अच्छी आसानी से। ठीक है, खड़े हो जी। हाँ जी, ये देखें हमारी रोटी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की और बहुत सॉफ्ट बनी है। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो उतार रही हूँ, ये प्लेट में रखा है। उसके बाद जो है ये दूसरी रोटी भी हमने बना चुके हैं, तो ऑयल थोड़ा सा तवे के ऊपर ऑयल लगाएंगे, घी लगाएंगे और इसके बाद हम दूसरी वाली रोटी भी अपनी जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएं और बना के जो है वो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में दिखाएं, शो कराएं। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है। ठीक है, ज़रा भी जो है वो सख्तपन नहीं है, बिल्कुल ऐसे है जैसे गंदम की रोटी है। सरसों के साग के साथ जो है वो इसको आप पेश करें, बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, अब मेरा कैमरा मैन आपको खा के बताएगा कि ये कैसी बनी है। हाँ जी, ये देखें हमारी जो है वो मकई की रोटी बन चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है, बिल्कुल ऐसे है जैसे गंदम की रोटी हो, ज़रा भी इसमें सख्तपन नहीं है। ठीक है, इसको आप जो है वो सरसों के साग के साथ जो है वह पेश करें। मैंने आपसे कहा था, मेरी छोटी सी बेटी है, मेरा कैमरा मैन है, लेकिन वो मान नहीं रही, वो नहीं आ रही कैमरे के सामने, तो ये मैं ही खा के आपको टेस्ट करके बता देती हूँ कैसी बनी है। ठीक है, बहुत अच्छी और बहुत यम्मी है, बहुत मज़े की है। प्लीज़ फ्रेंड्स, जो है इस तरीके से एक दफ़ा साग भी मैंने जो है वो उसकी रेसिपी भी अपलोड की हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी। तो इस तरह से मकई की रोटी और साग बना के खाएं, आप यकीन करें बहुत मज़े की बनी है। मैं सिर्फ अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, मैंने बनाई है। इस तरह से बना के देखें और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, खुश खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।